पड़ गया, रंगे हाथ भी पकड़ लिया मुझे, पूरी बेइज्जती मार दी मेरी। वजह यार मुझे हेड बॉय बनना था, तो एक पॉइंट पे आके मेरे जो दो दोस्त हैं मुन्ना और पंडित, वो मुझे बोलते हैं कि हम चीटिंग करके कुछ करते हैं। बट फिर नाना को कहीं ना कहीं से ये पता चलता है, तो नाना मेरे को अपनी स्टोरी बताते हैं कि लाइफ में वो जिस भी मुकाम पे पहुँचे हैं पर उन्होंने चीटिंग कभी नहीं करी है। उनको बहुत मौके आए थे कि अगर वो चीटिंग करते तो कहीं और एक लेवल पे होते, तो उन्होंने मुझे समझाया कि यू नो लाइफ में कभी चीटिंग नहीं करनी है, लोगों के लिए नहीं पर अपने लिए, कि अगर आप शीशे में अपनी शक्ल देखो तो आपको शर्मिंदा ना होना पड़े अपने आप से। तो मुझे वो बात समझ आई, तो बाद में वो प्लान मैंने ड्रॉप किया। पर मुन्ना और पंडित को वो बात समझ नहीं आई, तो चोरी उन्होंने की है, मैंने नहीं, बट मेरे लिए की है। तो मुझे पकड़ा गया, मुझे थप्पड़ भी मारा गया प्रिंसिपल रूम में नैना के पापा ने, मेरे मॉम डैड के सामने। तो यू नो एम्बैरेसमेंट थी काफ़ी। लेट्स सी कैसा आता है। हाँ बिकॉज मैंने चोरी नहीं की है, मैंने वही बोला ना, जब मुझे नाना जी ने समझाया तो मुझे समझ आ गया था कि चोरी नहीं करनी चाहिए लाइफ में। तो मैंने लिटरली हार्डवर्क किया था, पढ़ाई की थी, सब कुछ किया था। मुन्ना और पंडित ने वो चोरी की थी, तो यू नो बट वो पॉकेट मेरी पॉकेट से चाबी निकली, तो नैना को लगा कि मैंने चोरी की है, बट मैंने नहीं की थी, वो मुन्ना और पंडित ने की थी। तो यू नो अगेन या इट्स लाइक 1.1। सो थैंक यू सो मच यार, आप लोग शो देख रहे हो। हमारी ओपनिंग वीक की TRP 1 थी और दिस वीक सेकेंड वीक 1.1। सो हम सारे बहुत खुश हैं, तो थैंक यू सो मच। शायद आप लोगों के बिना ये पॉसिबल नहीं होता, बट आप लोगों ने हमारा शो देखा, उसे पसंद किया। तो आई जस्ट वॉन्ट टू से कि आप प्लीज़ ऐसे ही हमारा शो देखते रहिए, 1.1 से 1.2, 1.2 से 1.3, ऐसा कुछ बढ़ता रहे तो हमें भी अच्छा लगेगा और आई थिंक आपको भी।